सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाई जाती है। इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को अगर कंबाइन कर एक बना दी जाए तो इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो फिर यह लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखें फ्रेंड्स कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज कर देना है। फ्रेंड्स, अगर दो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस मिले जहाँ किसी काम को होने की वजह दूसरे वाले सेंटेंस में बताई जाए, तो इस तरह के सेंटेंसेस का सिंथेसिस हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की मदद से करते हैं, यानी हम इनफ का यूज करके करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो सेंटेंस लिखी हुई है। पहला, ही इज इंटेलिजेंट, और दूसरा, ही कैन सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ इस सेंटेंस में बताया गया कि ये काम हो सकती है, लेकिन इस काम के होने की वजह इस सेंटेंस में दी गई है। वह इस पजल को सॉल्व कर सकता है, क्यों? क्योंकि वह इंटेलिजेंट है। तो फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ किसी काम को होने की वजह दूसरे वाले सेंटेंस में मौजूद हो या किसी एक सेंटेंस में मौजूद हो, तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस ऑफ इनफ की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। आप लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट इनफ। उसके बाद जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत आप करेंगे टू से, फिर आप उस सेंटेंस का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपका वर्ब है सॉल्व और आपका ऑब्जेक्ट है दिस पजल, और आप इन दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे इनका क्या? तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, तो जब आप दूसरे वाले पार्ट को लिखें तो टू के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही लिखी जाती है, बाकी चीजें आपको गायब कर देनी है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस पजल। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव टाइम, आई कैन गो टू हॉस्पिटल। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में ये बताया गया कि मेरे पास टाइम है, और दूसरे सेंटेंस में ये बताया गया कि मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो आइए इसे सिंथेसिस करते हैं, यानी इन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक में बदलते हैं। फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसा सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ किसी काम की होने की वजह दूसरे सेंटेंस में मौजूद हो, तो आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस इनफ के मदद से करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, आई कैन गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ। इस काम को करने की वजह यहाँ दी गई है, क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो फ्रेंड्स, जब आपको दो ऐसे सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ किसी काम की होने की वजह दूसरे सेंटेंस में मौजूद हो, तो आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस इनफ की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। आप लिखेंगे आई हैव टाइम इनफ। उसके बाद जब आप अपने दूसरे सेंटेंस को लिखें, तो आप टू के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी चीज को आप गायब कर देंगे। आपका वर्ब है गो टू हॉस्पिटल। आई हैव टाइम, आई कैन गो टू हॉस्पिटल, तो इसका सिंथेसिस हुआ आई हैव टाइम इनफ टू गो टू हॉस्पिटल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आपको दो ऐसे सिंपल सेंटेंस मिले जहाँ एक सेंटेंस में ये बताई जाए कि कोई काम हो सकती है, और वो काम कैसे हो सकती है, उसकी वजह दूसरे वाले सेंटेंस में मौजूद हो या किसी एक सेंटेंस में मौजूद हो, तो आप इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस इनफ के मदद से करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ही इज रिच, वो अमीर है। ही कैन बाय दिस होटल, वो इस होटल को खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चला कि ये काम हो सकती है, और इस काम की होने की वजह इस सेंटेंस में बताई गई है। वो होटल खरीद सकता है क्योंकि वह अमीर है। तो आइए फ्रेंड्स इन दो सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करते हैं, यानी एक सेंटेंस में बदलते हैं। इस तरह के सिंपल सेंटेंस जहाँ किसी एक सेंटेंस में ये बताया जाए कि कोई काम हो सकती है, और उस काम की होने की वजह दूसरे वाले सेंटेंस में हो या किसी एक सेंटेंस में बताई जाए, तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस इनफ की मदद से करते हैं। जैसे आप लिखेंगे ही इज रिच इनफ। उसके बाद जब आप दूसरा वाला सेंटेंस को शुरू करें, तो टू के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। आपका वर्ब है बाय और आपका ऑब्जेक्ट है दिस होटल। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस होटल, और आप इसका सिंथेसिस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब दो ऐसे सिंपल सेंटेंस जहाँ एक सेंटेंस में ये बताई जाए कि कोई काम हो सकती है, और दूसरे वाले सेंटेंस में उस काम की होने की वजह हो, तो इस तरह के दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस हम वर्ड इनफ के मदद से करते हैं। फ्रेंड्स, सिंथेसिस का लेसन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक या दो वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए
हर रोज शाम 8 बजे मैं आपके लिए सिंथेसिस का एक नया लेसन लेकर आऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।